वेल, जब धरती का तापमान ड्रॉप हो रहा था तब अफ्रीका के गर्म और ह्यूमिडिटी से भरे जंगल देखते ही देखते सूखने लगे। इससे बड़े पेड़ों की तादाद घटने लगी और उनकी जगह ले ली घास ने। यानी अब तक जो बंदर प्रजातियां ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर सर्वाइव कर रही थी उनसे उनका प्लेग्राउंड ही छिन गया और उनमें से कुछ दो पैरों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। अब इसे नेचुरल सिलेक्शन कह लो या ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन यही वो समय था जब इंसानों के पूर्वज यानी कि होमोनिड्स बाकी बंदर प्रजातियों से अलग हुए और होमो सेपियंस यानी कि हम बने। वेल, इस सदी को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। आज से तकरीबन 7 मिलियन साल पहले होमोनिड्स मॉडर्न बंदरों के पूर्वज से अलग हुए। तब होमोनिड ट्राइब के जो सबसे पहले जीव उभर कर आए ना, वो थे सेलांथ्रोपस, जो कई लाख सालों तक ऑलमोस्ट बंदरों जैसे ही दिखते थे और उन जंगलों में पूरी दादागिरी के साथ रहते थे। पर ऐसा कब तक चलता? समय के साथ ढलना जरूरी होता है, इसीलिए अप्रोक्स 6 मिलियन साल पहले सेलांथ्रोपस पूरी पृथ्वी पर डोमिनेट होने के लिए अलग अलग जगहों पर इवॉल्व हुआ।